वेलकम टू हेल्थ ब्लॉग। सो टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग कि राइट वे क्या है हाइपोथायरायडिज्म की मेडिसिन को लेने का। आप अगर हाइपोथायरायडिज्म की मेडिसिन ले रहे हैं सो बेस्ट वे इसकी जो आपको डॉक्टर ने बताया है कि आपकी डोज के अकॉर्डिंग उन्होंने जो भी आपको कहेगी जिस तरह ये दवाई लेनी है उस तरह लेनी है एंड जो भी उन्होंने प्रिकॉशंस कही हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वो लेनी है। बट इफ़ यू डोंट नो प्लस अलॉन्ग दैट आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी है। सो आउट ऑफ दम कि जब आप थायराइड की मेडिसिन लेते हैं अगर आप उसके बेस्ट रिजल्ट चाहते हो तो आपको वो जो है ये सुबह खाली पेट लेनी है, उससे इसका अच्छे से असर होता है। जैसे ही आपने उसको लिया है तो आपको कम से कम मिनिमम थायराइड की मेडिसिन लेने के मिनिमम आधा घंटा या फिर एक घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। कुछ नहीं खाना मतलब कि आपको ना सिर्फ कुछ सॉलिड कोई फूड नहीं खाना है, मतलब रोटी वगैरह कुछ नहीं खाना है, प्लस आपको कुछ पीना भी नहीं है। अगर आपने थायराइड की मेडिसिन ली है तो ये नहीं कि आप मेडिसिन ले सकते तो कुछ भी और मेडिसिन ले लें, नो, आपको सिर्फ थायराइड की मेडिसिन लेनी है, उसके साथ कोई और मेडिसिन नहीं लेनी, कोई और सप्लीमेंट नहीं लेना है लाइक आयरन कैल्शियम वो बिल्कुल भी नहीं लेना है, वो आपको सिर्फ सिंगल लेनी है। आपने अगर कोई भी मेडिसिन लेनी है उसका भी गैप चाहिए, प्लस अगर आपने कोई भी सप्लीमेंट लेना है फॉर एग्जांपल आयरन का लेना है या कैल्शियम का लेना है या मल्टीविटामिन लेना है कुछ भी लेना है तो वो अगर जब भी आपने थायराइड की मेडिसिन दी है उसके 3 या 4 घंटे के बाद आपको वो सप्लीमेंट या मल्टीविटामिन आयरन कैल्शियम का वो लेना है, थायराइड की मेडिसिन के साथ नहीं लेना, क्योंकि अगर आप उसको साथ में लोगे तो वो इस मेडिसिन की वर्किंग में प्रॉब्लम करेगा, अब्सॉर्प्शन में प्रॉब्लम करेगा। सो दीज टिप्स यू हैव टू फॉलो while taking your thyroid medicine. Thanks for watching the video. That's all.